हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड यहाँ पर मोहन बगान सुबह जैन विंस द कोलकाता डर्बी बाय बीटिंग द आर्क राइवल्स ईस्ट बंगाल बाय 3-1 एंड गोज टू द टॉप ऑफ द टेबल ऑफ इंडियन सुपर लीग। साथ ही साथ यहाँ पर आज इंडिया अंडर 16 वुमेन्स टीम लड़की लोग हमारी हार चुकी है अगेंस्ट बांग्लादेश। ये बांग्लादेश ने भाई नाक में दम करके रख दिया। वी लॉस्ट द फाइनल ऑफ सैफ इन ऑन पेनल्टीज। साथ ही साथ यहाँ पर दो और खबर है, जैसे कि भाई इंडिया अंडर 23 हमारी टीम फ्रेंडलीज खेलने वाली है ये मंथ में, तो उसका जो कोच है वो ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका है। अभी कौन कोच है, क्या उसका बैकग्राउंड है, उसके बारे में बात करेंगे। एंड इंडिया वर्सेस कुवैत का जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स होम मैच है, तो उसका वेन्यू यहां पर चेंज कर चुका है। इगो स्टीमैच का जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड आज जो मीटिंग हुई थी, इन द सेंस की 10 मार्च को जो मीटिंग हुई थी उसके ऊपर वो मीटिंग में क्या क्या हुआ, और सरप्राइजिंगली कुछ भी क्वेश्चंस आस्क नहीं हुए थे कल्याण चौबे के ऊपर। सो आइए ये पांचों टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। ओके, सो पहले बात करते हैं यहाँ पर कोलकाता डर्बी के बारे में, बिकॉज डर्बी के बारे में बात करने पड़ेगी। एंड डर्बी स्टार्ट होती है और ये मैच अगर आप बात करोगे, यस मोहन बगान 3-1 से जीत चुके, लेकिन ये जो मैच था, अगर ये समरी देना चाहूँ तो ये मैच इट वॉज अ 2 हाफ मैच। फर्स्ट हाफ में ऐसा था कि आप ये समझ लो, ये बार इधर ईस्ट बंगाल, यहाँ पर मोहन बगान सुबुजायन से, तो फर्स्ट हाफ ऐसा लग रहा था कि ईस्ट बंगाल अपने हाफ से बाहर निकल ही नहीं पा रही है। एंड मोहन बगान सुबुजायन अटैक पे अटैक पे अटैक अटैक बना रही है। एंड उसी के चलते यहाँ पर 3 गोल्स मारे, कमिंस ने गोल मारा, डिमी पेटाडोस ने एक पेनल्टी मारी, एंड लिस्टन कोलाको ने पेनल्टी मारी। और अब यहाँ पर मैं फिर से अपोलोजाइज करना चाहता हूँ यहाँ पर जेसन कमिंग्स को, बिकॉज ही देखो, भले उसने टैपिंस मारे, भले उसने मतलब इतने एक्स्ट्रॉर्डिनरी गोल नहीं मारे, बट यार यू हैव टू क्रेडिट, और मैं माफी चाहता हूँ भाई जेसन कमिंग्स, मेरे से गलती हो चुकी है भाई, बिकॉज आई वॉज रॉन्ग। देखो अभी लोग बोल रहे कि देखो इट्स जस्ट दैट, कि हम लोग लाइव स्ट्रीम में भी बात कर रहे थे, इट्स जस्ट दैट कि इतना हाइप उसका बनाया था, लेकिन उसने कुछ अच्छे अच्छे या तो तगड़े तगड़े गोल्स नहीं मारे, ही हैज जस्ट बीन स्कोरिंग टैपिंस। अभी हम बोलते तो हैं कि यार टैपिंस इजी होता है, बट यार जेसन कमिंग्स मतलब फॉर टैपिंस, मतलब अगर आपको टैपिन मारना है तो आपको सही डायरेक्शन में रहना चाहिए, आपको सही जगह पे रहना चाहिए, यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस, यू हैव टू स्मेल दैट गोल कि अभी मेरे को अभी अपॉर्चुनिटी है, मेरे को वो प्लेयर से आगे पहले पहुंचना है, सो दैट आई कैन फाइंड द बॉल एंड स्कोर द टैपिंस। सो दैट्स व्हाई जेसन कमिंग्स गोल मारते हैं। डीमे पेटाडोस यहां पर पेनल्टी कन्वर्ट करते हैं। डीमे पेटाडोस द हीरो ऑफ द मैच भाई साहब, आप चाहे वर्ल्ड कप प्लेयर को लेकर आ जाओ, आर्मांडो सडिको को लेकर आ जाओ, सहल को लेकर आ जाओ, हेक्टर यूस्टे को लेकर आ जाओ, किसको भी लेकर आ जाओ भाई, बट एट द एंड ऑफ द डे The Maharaj, the King will be Dimi Petratos. Dimi. अजा, what a performance भाई साहब, ये बंदे को आप गेम से बाहर निकाल नहीं सकते, he's that guy, the Australian. तो मजा आ गया भाई। फर्स्ट हाफ में 3-0 होता है, ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो और गोल मार देगी, लेकिन भाई हम सबको होता है कि हबास कैसा खेलता है, हबास 2 या 3 गोल मार देता है, उसके बाद अपनी बस को जो पार्क कर देता है एंड आराम से भाई डिफेंड करता है। वही हुआ सेकेंड हाफ में, ऐसा लग रहा था कि ईस्ट बंगाल भाई ये तो मतलब ईस्ट बंगाल फर्स्ट हाफ में कुछ कर ही नहीं पा रही थी, मतलब बोलते हैं यूजलेस ईस्ट बंगाल वॉज डन। लेकिन सेकेंड हाफ में आई रियली डोंट नो कि क्या हुआ, पेपटॉक हुआ या क्या खाया क्या पिया उन्होंने, लेकिन सेकेंड हाफ जिस तरह से उन्होंने उतारा। एंड एक प्लेयर के बारे में बात करना चाहता हूँ यहाँ पर, सहन एंड साथ ही साथ विष्णु सहन, जो नंबर 84 था, राइट हैंड साइड पे खेल रहा था, राइट बैक, वॉज सो ब्रिलियंट भाई, वॉज टेकिंग एवरी वन ऑन, सेम गोज विद विष्णु, बोथ वो इनक्रेडिबली गुड भाई, गुड। गोल आता है, क्लेटन सिल्वा मस्त बॉल डालते हैं, वॉट अ गुड कंट्रोल बाय सॉल क्रेस्पो एंड मस्त फिनिश किया। ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है दूसरा गोल आएगा, बट क्या था कि सेकेंड हाफ में इट वॉज लाइक कि क्रॉसेस पे क्रॉसेस आ रहे हैं, ठीक है, बॉल्स बॉक्स के अंदर मिल रहे हैं, क्लेटन सिल्वा हो गया, महेश हो गया, उनको बॉल मिल रहे बॉक्स के अंदर, बट बॉक्स में अंदर आप जगह भाई पूरी खिचड़ी हो चुकी थी भाई, बिकॉज मतलब जगह ही नहीं थी भाई, पूरा भाई सेटअप था, पूरा बस था, पार्क द बस ऐसा था भाई, प्लेयर्स ही प्लेयर्स थे, एंड दैट्स व्हाई गोल हुआ नहीं। एंड फर्स्ट जो सेकेंड हाफ ऐसा था, मतलब फर्स्ट हाफ में मैंने जैसे ही बोला कि मोहन बगान पूरा चढ़ के खेल रही थी, सेम गोज विद ईस्ट बंगाल, पूरा चढ़ के खेल रही थी फर्स्ट हाफ में, ईस्ट बंगाल अपने हाफ से बाहर नहीं निकल पा रही थी, सेकेंड हाफ में मोहन बगान अपने हाफ से बाहर नहीं निकल पा रही थी, इट वॉज ये एंड दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ द डर्बी, कोलकाता डर्बी। और अभी तक मोहन बगान सुपर जायंट्स आर स्टिल अनबीटन अगेंस्ट ईस्ट बंगाल इन द कोलकाता डर्बी ऑफ ISL, दैट्स अ ह्यूज दैट्स अ गुड रिकॉर्ड। एंड फैंस तो इनक्रेडिबल थे भाई, लास्ट टाइम देयर वाज समथिंग 57K, ये बार भी मुझे लगता है कि इतना ही होगा, आई डोंट नो द परफेक्ट अटेंडेंस, बट उतना ही होना चाहिए, बिकॉज जो क्राउड था खतरनाक भाई, मैसिव नंबर्स में आया था। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं हमारे सैफ के बारे में, इंडिया अंडर 16, भले ही मैंने मैच नहीं देखा, बट वी नीड टू टॉक अबाउट द मैच ऑल्सो। ये मैच स्टार्ट होता है, हमारे लिए बहुत अच्छा चांस रहता है कि हम लोग 1-0 से लीड कर देते हैं इन स्टार्टिंग 4 to 5 मिनट शायद से, हम लोग गोल मार देते हैं, उसके बाद क्या होता है कि हमारे से एक ओन गोल कंसीडर हो जाता है इन द 70th मिनट एंड देन द मैच गोज ऑन टू द पेनल्टीज, एंड पेनल्टीज में हम 3-2 से यहाँ पर हार जाते हैं। अभी देखो कोई लोग बोलते हैं कि जब आप यंगस्टर्स के मैच देखते हो, या तो जब आप यंग टीम्स के मैच देखते हो,
यू डोंट लुक एट द रिजल्ट, यू लुक एट द परफॉर्मेंस, कोई कौन प्लेयर अच्छा कर रहा है कौन प्लेयर अच्छा नहीं कर रहा है। लेकिन यार बांग्लादेश भाई सच बता रहा हूँ, बांग्लादेश को अपन कितना भी गाली देते थे बट दिस द टीम आर रियली प्रोग्रेसिंग। उन्होंने अंडर 19 में हमने को भाई एकदम अच्छा टफ फाइट दिया था, वहां पर भी एक मैच हारे, एक मैच जीत गए थे हमारे साथ एंड एक मैच वो भी पॉइंट शेयर हुआ था। और ये बार अगर आप देखोगे पूरे सैफ टूर्नामेंट में बांग्लादेश रिमेंस अनबीटन, ये बांग्लादेश रिमेंस अनबीटन, दोनों टाइम हमें हराया है। थोड़ा देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। बट लेट्स सो अभी ये इंडिया अंडर 16 गर्ल्स है, इनको खेलने का मौका मिले, अदरवाइज क्या होगा कि भाई ये हो गया टूर्नामेंट, इसके बाद सब बिछड़ जाएंगे, सब अपने अपने रास्ते, कि कोई भटक जाएगा या तो कोई खेलता रहेगा कहाँ पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट्स सो अभी थोड़ा जो खबर है वो बात कर लेते हैं। यस भाई इंडिया अंडर 23 टीम खेलने वाली है दो तीन फ्रेंडली इन दिस मंथ ऑफ मार्च। अभी तो स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है बट लेकिन कोच के बारे में खबर आ चुकी है कि भाई नौशीन मूसा, नौशीन मूसा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नौशीन मूसा विल बी मोस्ट लाइकली अपॉइंटेड एज अंडर 23 कोच। यस ये खबर आ रही है एंड अगर आप देखोगे कि आई पर्सनली डोंट थिंक सो, बट मैंने जितना ट्विटर पे देखा है और जितना मैंने न्यूज सुना है कि भाई ही इज रियली गुड विद द यंगस्टर्स एंड दैट्स व्हाई उसको इतना ये अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है कि आप अंडर 23 का कोच हुआ जाए। एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि आपने क्लिफर मिरांडा को एएफसी अंडर 23 एशियन कप टूर्नामेंट था तभी आपने उसको अपॉइंट किया था क्लिफर मिरांडा को, अभी आप दूसरे कोच के लिए कर रहे हो। पहले आपने महेश गावली को अंडर 23 अपॉइंट किया था, तो दिस शोज कि आपकी क्लैरिटी नहीं है, आपका एक विजन नहीं है कि भाई 5 साल तक यही कोच होगा। देयर इज नो विजन, देयर इज नो क्लैरिटी। और मेरे हिसाब से ठीक है कोच वगैरह अपॉइंट करे बट आई रियली वॉन्ट अ स्टेबिलिटी कि भाई यही बंदा कोच है, ये रेगुलरली स्क्वाड के साथ है, ये रेगुलरली फ्रेंडलीज खेल रहे हैं लोग, तो वैसा होना चाहिए। अदरवाइज तो भाई आप हर टाइम 6-6 महीने में कोच ऐसा अपॉइंट करते जाएंगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ, मतलब नो पॉइंट ऑफ प्लेइंग दिस फ्रेंडलीज एंड ऑल। ओके सो दैट्स द केस। एक और यहाँ पर खबर है कि इगो स्टेमैन ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया से कुवैत का जो फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स का मैच है जो कि दूसरे जगह हैदराबाद या तो वहां पर होस्ट करने वाले थे, लेकिन इगो स्टेमैन ने रिक्वेस्ट किया हमारे कल्याण साहब से कि भाई प्लीज कोलकाता में रखे, कोलकाता में रखे, एंड दैट्स व्हाई आज कल मीटिंग हुई थी 10 मार्च में, एंड वहां पर कल्याण जो मेरे अग्री करते हैं कि अग्री करते हैं एंड इट इज कंफर्म कि यहाँ पर इंडिया वर्सेस कुवैत का जो मैच है होम मैच ऑफ फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर जो कि जून में होने वाला है, जून 6 को वो होगा कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में, या तो VVBY के आप कुछ भी बोल दो बट कोलकाता के स्टेडियम होने वाले, एंड दैट्स ह्यूज, दैट्स रियली रियली ह्यूज भाई, बिकॉज एक जगह आप हैदराबाद का स्टेडियम देख लो, एक जगह आप कोलकाता का स्टेडियम देख लो, नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टेडियम्स बट द क्राउड विल बी मैसिव, एंड लेट्स होप कि क्राउड हेल्प कर सके एंड हम लोग कुवैत को आसानी से हरा सके। ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ इजी मैच बट दिस इज अ गुड न्यूज। अभी थोड़ा अपन भाई ऑब्वियसली AIF के ऊपर बात करना पड़ेगा बिकॉज ये जोकर, ये जो क्लाउन फेडरेशन है उसके ऊपर अपन बात नहीं करें तो कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा भाई। तो इसलिए यहाँ पर 10 मार्च कल मीटिंग थी भाई, सब लोग मीटिंग में आए थे। सरप्राइजिंगली जो बंदा बोल रहा था कि भाई ये बंदे को रिजाइन होना चाहिए, साथ ही साथ इसका ट्रेजरर इसको रिजाइन करना चाहिए, वही बंदा यहाँ पर मीटिंग अटेंड नहीं करना। अभी मुझे नहीं पता कि क्या क्या रीजन रहेंगे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर भाईचिंग भूटिया के बारे में। भाईचिंग भूटिया ने बोला था कि भाई बहुत बोला था कि भाई ये निकलना चाहिए, ये रिजाइन होना चाहिए, बट खुद जब भी मीटिंग थी जब भी वो खुद आया नहीं, बिकॉज क्या होता है कि आज कल का जो मीटिंग था जिसको NA हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट है तो उन्होंने होस्ट किया था, उन्होंने सेशन को चालू किया था एंड उन्होंने ये बोला कि भाई मतलब एक जो बात थी जो करप्शन जो एलिगेशन लगाए थे उन्होंने बोला कि भाई ये सब फालतू की बकचोदी है एंड ये सिर्फ किया जा रहा है क्यों, क्योंकि भाई जो फेडरेशन है जो अच्छा काम कर रहा है उसका इमेज को डाउन करने में, अभी इसमें कितना सच है कितना घटाला है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई अगर हेड है ठीक है हेड के मेंबर्स तो ऐसे ही बोलेंगे, ऑब्वियसली आपको पता है, बिकॉज भाई अगर मेंबर्स लोग हेड के जो मेंबर्स है अगर उनको पता रहेगा कि भाई अगर मैं ये बोल दूं तो भाई मेरी नौकरी चली जाएगी तो वो लोग क्यों ही बोलेंगे, तो ऐसा सब सीन है। उन्होंने ये बोला कि भाई हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं कि हमारे जो इमेज है उनको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी इमेज फेडरेशन का एंड साथ ही साथ कल्याण चौबे जी का, एंड इसलिए भाई किसने क्वेश्चंस उठाए नहीं, जो भी मेंबर एसोसिएशन के मेंबर्स थे आए थे प्रेजेंट उन्होंने एक भी क्वेश्चंस उठाए नहीं कल्याण चौबे की जो भी करप्शन एलिगेशन थे, तो भाई देख रहे हो भाई अंदर ही चल रहा है, गेम चल रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, अभी देखते हैं कि क्या होता है। बट या इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है, आई रियली आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, आज के वीडियो में हमने 5 टॉपिक डिस्कस किए, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन आप क्या सोचते हो 5 टॉपिक्स के ऊपर। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना आपके दोस्तों के साथ एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए फॉर एवरी इंडियन फुटबॉल अपडेट। मिलूंगा मैं आपसे एक और नए वीडियो में, जब तक आप आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।